गुड मॉर्निंग। देख के आप पहचान ही गए होंगे कि ये है एक्सेस डेटा का D109 और रिसेंटली लॉन्च्ड एक्सेस डेटा का ही D220। तो अभी इस दोनों रेडियो को मैं यहाँ लेके आया था क्योंकि मुझे इसका टेस्ट करना था, और बेसिकली टेस्ट मुझे इस रेडियो का करना था एंटीना के साथ कि एंटीना के साथ ये कैसा परफॉर्म करता है। मैंने एक सिंपल एंटीना बनाया हुआ है, सिंगल वायर एंटीना, ये रहा, मैं इसको निकाल देता हूँ। इसमें जैक 3.5 एमएम का जैक लगा रखा है, और जिस भी रेडियो में 3.5 एमएम का जैक होता है एंटीना वाला, उसमें ये अच्छा काम करेगा। लेकिन चूंकि ये आप सबको पता होगा कि इसमें कोई भी जैक नहीं दिया गया है जिसके कि थ्रू आप एंटीना लगा सकें जैक के थ्रू, तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि मैं इसके एंटीना वाले सेक्शन में इसको कनेक्ट कर दूँ। इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने ये एंटीना बनाया था तो आपको दिखाया था मैंने कि यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है और टेप के थ्रू इसको मैंने चिपका दिया है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ से ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे सिंपल वायर रहेगा और इस वायर को मैं इस पर लपेट सकता हूँ इस वाले सेक्शन में, तो एज एन एंटीना मैं इसका परफॉर्मेंस चेक कर पाऊँगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको इसका परफॉर्मेंस एंटीना पे नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं जब से मेरे पास फिलिप्स चैम्पियन नया वाला आया है, मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया प्रॉपर तरीके से, और स्पेशली एंटीना को तो खास करके नहीं, क्योंकि मेरा काम उससे चल जाता है। अभी इसको खोलने से पहले मैं आपको इस पे एंटीना का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ एक बार फिर से, और ये दिखाने का मकसद है कि क्या अभी भी ये काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था। और सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ, और देखिए यहाँ पर लाइट भी मैंने जला रखा है, और वहाँ भी देखिए मैंने लाइट दो मैंने एलईडी जला रखा है। अभी इसको टेस्ट करेंगे हम एंटीना के साथ कि क्या अभी भी परफॉर्मेंस वही है या कुछ चेंजेस हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा एंटीना के साथ, और कल की वीडियो में इसको मैं यहाँ से खोल के डी अटैच करके इस पे रिसेप्शन टेस्ट कराऊंगा कि क्या एंटीना के साथ ये कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसका परफॉर्मेंस एंटीना के साथ। और हमेशा की तरह मैंने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का पूर्णिया केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पे अपने D109 पे। एंटीना को मैंने पूरा ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इस पे आपको इसका रिसेप्शन सुनाता हूँ पूर्णिया का। देखिए इसकी दूरी जो है, पूर्णिया की जो दूरी है यहाँ से, वो 95 से 100 किलोमीटर के बीच है मेरी लोकेशन से। और रिसेप्शन सुनिए इसका। कोई रिसेप्शन नहीं है, बिल्कुल ही धुंधला है, और जबकि मैंने इसके एंटीना को पूरा ओपन कर दिया है। और अभी मैं इसको एक्सटर्नल एंटीना जो है ये मेरा, इस वायर की फेड दूंगा इसको, और देखिएगा क्या चेंजेस आता है रिसेप्शन में। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। देखा आपने, सिर्फ एक सिंपल से वायर एंटीना की फीड देते ही ये कितना जबरदस्त काम करने लगा। जबकि मैंने दो एलईडी बल्ब ऑन किए हुए, अभी फैन भी मेरा ऑन है, उसके बावजूद परफॉर्मेंस देखिए कितना जबरदस्त है। अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसकी फीड तो दे दी है एंटीना की, अब इस एंटीना को अगर मैं बंद भी कर दूँ तो भी रिसेप्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, देखिए मैंने एंटीना को पूरा बंद कर दिया है, सिर्फ एक्सटर्नल एंटीना के वायर की फीड दी है मैंने, और रिसेप्शन देखिए कितना शानदार हो गया है। चलते हैं कुछ और स्टेशन को ट्यून करते हैं FM बैंड पे ही, और देखते हैं कि कैसा है। ये है पहला स्टेशन, आगे भी है एक दो, लेकिन मैं उस पे को नहीं जा रहा, मैं इससे पहले के स्टेशन आपको सुना देता हूँ। जी,
आकाशवाणी का खरसोंग केंद्र 103.5 मेगाहर्ट्ज़, यहाँ से नेपाली भाषा में कार्यक्रम आते हैं, लेकिन ये आकाशवाणी का ही है। इस रेडियो का साउंड इतना ज़बरदस्त है कि अभी तक मेरा जो भी रेडियो है, अभी मेरे पास लगभग 7 से 8 रेडियो है मेरे पास, सबसे बेस्ट मुझे साउंड इसी का लगा है। और फंक्शनैलिटी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा है, कार्ड ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं मेमोरी कार्ड के थ्रू, ये देख सकते हैं आप, और ब्लूटूथ भी है इसमें, और ब्लूटूथ की तो फंक्शनैलिटी इतनी बढ़िया है इसकी कि आप यूट्यूब पे भी डीएक्सिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप प्ले कीजिए कोई भी सॉन्ग, और इस ट्यूनिंग नॉब के थ्रू आप आगे और पीछे जा सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग पे। क्या मस्त साउंड है इसका। और ये रेडियो मेरा वो रेडियो है कि अगर इसमें कुछ फॉल्ट आता है तो बिना सोचे समझे मैं तुरंत इसको दोबारा से रीऑर्डर करूंगा। मैं इतने छोटे से स्पीकर में और इस छोटे से कॉम्पैक्ट रेडियो में स्पीकर का जो ऑप्टिमाइजेशन है इतना बढ़िया है इसमें कि क्या ही कहने। और एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा, जैसे मैं ट्यूनिंग नॉब को घुमाता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा ये प्ले का जो ऑप्शन आता है, अगर वो सिंगल दिखे दैट मीन्स कि स्लो मोड पे ट्यून होगा, और डबल दिखे दैट मीन्स कि फास्ट मोड पे ट्यून होगा। अब ये स्लो मोड पे है, अभी ये स्लो मोड में, अब फास्ट मोड पे, फास्ट सिचुएसनहरू बनाउन सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, 2048 साल पछि हाम्रो देशमा ये जो 92.80 मेगाहर्ट्ज़ भुरुकपा एफएम है, इसका रिसेप्शन काफ़ी दिनों से, पिछले कुछ दिनों से इनफैक्ट ख़राब चल रहा है, और D808 पे भी ये नहीं पकड़ता है साहब। SDC कनाडा को ट्रिपल सर्टिफिकेट प्राप्त होने। आई होप कि आपने सिंगल वायर एक्सटर्नल एंटीना पे इसका परफॉर्मेंस अभी आपने देख लिया होगा, काफ़ी ज़बरदस्त। इस वीडियो के बाद अभी मैंने जस्ट इसको यहाँ से इसको निकाल दिया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है, और इसके थ्रू मैंने अभी इसको जस्ट चेक किया है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे इसका भी लगा है। कुछ कैच है इसके साथ, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा जब मैं इसका परफॉर्मेंस चेक करूँगा अपने एक्सटर्नल वायर एंटीना के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, Have a nice day.